टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सीरीज इज वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या चीज़ है या वेक्टर डाटा टाइप क्या है, किस तरह हम उसको एक्सप्लोर या उसका बेनिफिट या किस तरह उसको यूजेज में ला सकते हैं। एज वी सॉ अर्लियर कि जब भी हम कोई कमेंट, कोई भी हम आउटपुट या कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आउटपुट हमेशा उसकी हमें वेक्टर में आके मिलती है। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करते हैं 5, आउटपुट 5 है ये, और वेक्टर सिंगल मोनो या मोनो कह लें इसको, एटॉमिक वेक्टर में या सिंगल एलिमेंट वेक्टर में हमारे पास आउटपुट आई है। सिंगल एलिमेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर के जिसमें आउटपुट आई है। सम वाला अपना वेरिएबल कॉल करते हैं, दैट वाज ए कॉमा बी कॉमा 5, 10, 15, तो उसने हमें उसकी वैल्यू भी प्रिंट करके सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर में स्टोर करके दे दिए। इसी तरह हम यहाँ पे प्रिंट ट्रू करवाते हैं, बूलियन की कोई वैल्यू हमने प्रिंट की है तो उसने हमें उसकी वैल्यू भी सिंगल एलिमेंट वेक्टर में शोर कर दे दी है। इसी तरह हमारे पास मल्टी एलिमेंट वेक्टर भी हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करते हैं 2 से लेकर 15 तक वैल्यूज, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आई हैं, हमारे पास मल्टी एलिमेंट वेक्टर है। इसमें अगर हमने स्पेसिफिकली किसी वैल्यू को एक्सेस करना है वो हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज को हम स्टोर करते हैं ए इज इक्वल टू 2 to 15, ये हम यहाँ पे ले आते हैं ऊपर। उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं ए को, उसके बाद हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं ए ऑफ 1 को। आपके ख्याल में क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए? प्रिंट ए से उसने पूरी सीरीज प्रिंट कर दी है, फर्स्ट में उसने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम 3 करते हैं तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास? थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो गया, 1, 2, 3, दैट इज 4। हम मल्टी एलिमेंट की जो हमने सीरीज बनाई थी रिजल्टेंट वेक्टर में से हम किसी एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एज वी सॉ अर्लियर कि हम फंक्शंस खुद, हम वेक्टर खुद भी जनरेट कर सकते हैं। माई वेक्टर इज इक्वल टू, क्या सेंटेक्स था? सी का सेंटेक्स था, सी इज द रिजर्व वर्ड जो कि वेक्टर्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एप्पल, पी फॉर बैट, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ और इसको प्रिंट करके देखते हैं। पहले यहाँ पे 3 लिखते हैं, उसके बाद THR EE। यहाँ पे उसने किया, उसने एक वेक्टर क्रिएट कर दिया विद 3 एलिमेंट्स और उसको हमने प्रिंट भी कर लिया। इसी तरह हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट माय वी ऑफ 2 कर लें, सेकंड नंबर पे बैट पड़ा हुआ है। एक चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि जब हम मल्टी एलिमेंट वेक्टर बनाते हैं तो वेक्टर की डाटा टाइप हमेशा सिंगल होगी, या उसमें सारे स्ट्रिंग्स पड़े होंगे या सारे नंबर्स पड़े होंगे या सारे इंटीजर्स पड़े होंगे या न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एक वेक्टर की आधी डाटा टाइप इंटीजर हो और आधी स्ट्रिंग हो, या आधी स्ट्रिंग हो आधी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स देते हैं, इसमें मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप भी दे दी है और मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप भी दे दी है, तो बैकएंड पे आर क्या करता है, उसने वेक्टर की टाइप सिंगल करनी होती है। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन उसको नजर आती है सारे एलिमेंट्स को उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग तो इंटीजर में कन्वर्ट या न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस कमांड को रन करते हैं और उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई वी। उसने इस 3 को भी डबल कोट्स में शो किया, क्यों? क्योंकि उसने कन्वर्जन कर दी, ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग। इसी तरह हम एक और वेक्टर बनाते हैं जिसमें हम वेक्टर पे थोड़े से ऑपरेशंस करके देखते हैं। हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेक्टर बनाया है विद डेज, हमें एक और सिलेक्टिव
डे सेलेक्ट करते हैं इनमें से और एक हम नया वेक्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एम इज इक्वल टू टी वेक्टर में से मैंने सिलेक्शन करनी है, कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने सेकंड करना है, थर्ड करना है एंड फिफ्थ सेलेक्ट करना है, ये तीन एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, इनमें से सेलेक्ट करके इसमें लेके आने हैं। ऑब्वियसली फिर ये भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। सी ऑफ ये करके ट्राई करते हैं क्या बनता है। टी में मेरे पास प्रिंटिंग पे सारे डेज आ रहे हैं। उसके बाद एम मैंने एक और वेक्टर बनाया है जिसमें मैंने कहा कि ये वेक्टर बनाया है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, टी में से सिलेक्शन कर दिया मैंने। सॉरी सिंटैक्स में टी में से मैंने सिलेक्ट करना है एज अ वेक्टर ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स के, इन तीन टी में से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। किस चीज़ की, सिंगल एलिमेंट की करनी होती तो यहाँ पे मैं सिंगल डिजिट दे देता, दैट इज 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। अब मैंने क्या करना है, मुझे वेक्टर चाहिए कि मैंने वेक्टर वहां से एज अ वेक्टर इनपुट गेट करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सी और आगे मैंने वो वाले इंडेक्सेस दे दिए। इसको रन करके देखते हैं, ब्रैकेट्स यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट्स आएंगी और यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्रिएट करने का सिंटैक्स विद दिस ब्रैकेट है और स्क्वेयर ब्रैकेट एलिमेंट गेट करने का। अब टी में से मैं एलिमेंट गेट कर रहा हूँ एज अ वेक्टर ऑफ दिस थ्री इंडेक्सेस। इसको रन करते हैं तो हमारे पास एम में हमारे पास ये तीन सिलेक्टिव डेज आ गए हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिसीजन बेस यहाँ से एलिमेंट्स उठाने हैं, इसी साइज का मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ, इसको मैं डी देता हूँ। इसमें मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स, इन्हीं की रेपिटेशन कर देते हैं। इक्वल हमारे पास हो गए, जितने यहाँ पे हमारे पास टेस्ट थे उतने ही यहाँ पे हमारे पास एक और वेक्टर आ गया जिसमें ट्रू फॉल्स पड़े हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा वेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, उसके कुछ इंडेक्सेस की वैल्यूज आपने उठानी है और आपको नहीं पता, या किसी कंडीशन के बेस पे उठानी है, तो कंडीशन के बेस पे आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह का बनेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आपने यहाँ से उठा के प्रिंट करनी है। तो उसके लिए क्या पॉसिबल कमांड बन सकती है, लेट्स थिंक अबाउट इट। प्रिंट करना है हमने, प्रिंट प्रिंट टी जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। टी में आगे क्या करना है, टी के किस इंडेक्स से वैल्यू उठानी है, किस इंडेक्स से उठानी है, हमने यहाँ पे डी पास कर दी है। इसको रन करते हैं पहले और उसके बाद इस कमांड को रन करते हैं। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास ट्रू थी तो हमारे पास चार वैल्यूज थी, 1 2 3 4 वैल्यूज ट्रू थी, वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ से प्रिंट हो गई हैं ओरिजिनल डेटा रे में से। इसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस देखे थे जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे कि एडिशन के सब्ट्रैक्शन के, क्विकली उसको भी देख लेते हैं। वी इज इक्वल टू सी ऑफ 2 10 25 35 9 7। इसी तरह सी टू में वैल्यूज हम कोई ऑल्टर कर देते हैं, इसको वी टू कह देते हैं, इसको वी वन कह देते हैं। उसके बाद हम इन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं, प्रिंट ऑफ वी वन प्लस वी टू, ये क्या करेगा, इनके एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रिंट कर देगा, इंडेक्स बाय इंडेक्स उसने एडिशन करके दे दिया। सॉर्टिंग का एलिमेंट अप्लाई करके देखते हैं, प्रिंट हम कहते हैं जो रिजल्टेंट आ रहा है आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो आ रहा है हमारे पास ये सॉर्ट आउट हो गया है। अभी हमारे पास वैल्यू आई थी 4 11 50 38 18 14,
सॉर्ट का बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं पहले, हेल्प सॉर्ट। यहाँ पे हमारे पास उसकी हेल्प आ गई है कि हमें सॉर्टिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। सैंपल उसका पॉसिबली क्या हो सकता है कि सॉर्ट में आप वेक्टर पास करते हैं, सॉर्ट में हम वेक्टर पास करते हैं दैट इज आर आर। दोनों कमांड्स को रन करते हैं, पहले प्रिंट आर भी कर लेते हैं, प्रिंट आर आर। एज यू कैन सी के जब हम सिंपल रिजल्ट प्रिंट करते हैं दैट इज ओरिजिनल ऑर्डर, जब हमने उसको सॉर्टिंग कर लिया उसने हमें डिसेंडिंग या जो भी हमारा सॉर्टिंग का ऑर्डर था उसमें शो कर दिए। यहाँ पे हम ये वाली चीज जो उसने ऑप्शन दी हुई है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स। हमारी सिंपल सॉर्टिंग थी, एक डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स के साथ चेक करते हैं, एक ट्रू के साथ चेक करते हैं। इसको सॉर्ट के फंक्शन के अंदर कॉल करना है, सॉर्ट का फर्स्ट पैरामीटर इज ओरिजिनल वेक्टर एंड सेकंड इज डिक्रीजिंग ट्रू और फॉल्स। एक में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, एक में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज आ गई हैं। वेक्टर्स एक्सटेंसिवली यूज होंगे जितना भी हम आगे फर्दर काम करेंगे। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आप प्रैक्टिस करें, यहाँ तक आप जितनी चीज़ें हमने की हैं इसको प्रैक्टिस करें। यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग ऑन दिस वेक्टर्स। नेक्स्ट में हम पैकेजेस की तरफ आते हैं जो कि एक्चुअल बेनिफिट या आर लैंग्वेज के पॉपुलर होने की जो रीज़न मेन है दैट इज पैकेजेस। आपने जो भी चीज़ करनी है आपको उसका पैकेज मिल जाएगा, आप पैकेज यूज़ करें और जो भी आपने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है हार्डली 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड में आप उसको इंप्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और एफिशिएंटली इफेक्टिवली। थैंक यू, प्रैक्टिस दिस आउट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। All right, welcome back. The main topic for today's video is packages. लेकिन packages से जाने से पहले एक data type हमने miss कर दी थी, that must be covered, that is matrices. Matrices का क्या concept है, जिस तरह कि हम real life में अगर computing की example लें तो हमें extensively play करना पड़ता है matrices से। Matrices are basically 2D arrays. हमने कोई image read करना है, हमने कोई excel file read करनी है, हम सॉर्ट ऑफ उसको मैट्रिसेस के फॉर्मेट में रीड करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, या इसके पॉसिबल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। मैट्रिसेस में ऑब्वियसली डेटा होगा, डेटा उसमें उसके बाद इसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगे। सिंटैक्स इसका क्या बनता है, कोई भी मैट्रिक्स डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, कोई भी हम अपने वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर करना है उसके बाद हम यूज करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हेल्प चेक करते हैं। मैट्रिक्स में सॉर्ट ऑफ हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट में उसका डाटा होना चाहिए, जो भी उसमें पॉसिबल डाटा आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स हमने डिफाइन करने हैं। उसके बाद हमने रो वाइज मैट्रिक्स क्रिएट करना है या डेटा वाइज क्रिएट करना है। अगर तो हमने किसी फाइल से रीड करना है तो वह एज इट इज़ रीड कर लेगा जिस तरह उस फाइल में डेटा पड़ा हुआ। अगर हमने खुद डिक्लेयर करना है इसमें डेटा देना है तो हमें सीरीज यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट इसमें वेक्टर डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6, 1 to 6। उसके बाद हम कह देते हैं नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए। इसको रन करके देखते हैं एंड m को प्रिंट करते हैं, इसने यहाँ पे हमारे पास 2D अरे जनरेट करके उसको प्रिंट कर दिया है। अगर हम ये वाली चीज़ ट्राई करना चाहते हैं बाय रो क्रिएट करना है, अभी इसने कैसे क्रिएट किया है, इसने अभी क्रिएट किया है बाय कॉलम क्रिएट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स वाली सेम यही वाला फॉलो किया। अगर हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं
तो ये उसको रो वाइज जनरेट कर देगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने मैट्रिक्स की वैल्यूज को अगर एक्सेस करना हो, ये हमारा मैट्रिक्स है, हम इसकी किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को उसने वैल्यू प्रिंट कर दी है। मैं पूरी सेकंड रो को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, उसने सेकंड रो प्रिंट कर दी है। मैं सेकंड कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, उसने फर्स्ट कॉलम प्रिंट कर दिया है। इसी तरह जो भी हमें एलिमेंट चाहिए होगा यहाँ से हम इंडेक्सेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैट्रिक्सेस के ऑपरेशंस की तरफ आते हैं, जिस तरह हमने वेक्टर्स के ऑपरेशंस देखे थे, मैट्रिक्सेस के ऑपरेशन भी उसी तरह काम करते हैं या नहीं करते, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। M1 and M2, उसके बाद इनको ऐड करके देखते हैं। पहले वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं M1 M2, उसके बाद इनको ऐड करके देखते हैं। उसने इनको इंडेक्स बाय इंडेक्स सेम इंडेक्सेस को ऐड कर दिया। सेम फॉर माइनस, माइनस में ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि सेम एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में देखते हैं क्या पॉसिबल बिहेवियर यहाँ पे हमारे पास आता है। उसने यह किया, उसने एलिमेंट बाय एलिमेंट इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी है। ओरिजिनल मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन नहीं की, जो कि रूटीन में मैट्रिसेस की होती है। इसने एलिमेंट बाय एलिमेंट जिस तरह प्लस में किया, माइनस में किया, उसी तरह यहाँ पे उसने मल्टीप्लीकेशन में भी एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन कर दिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई।